हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, अभी तक मुझे जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है ना, तो इंस्टाग्राम हैंडल का आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो आप जल्दी से इंस्टाग्राम में सर्च करके मेरी आईडी को मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पर भी जो मेरी रील्स वीडियो हैं उनको एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। और कुछ इम्पॉर्टेंट आप सबकी क्वेरीज रहती हैं तो वहाँ पर आप मुझे इम्पॉर्टेंट मैसेज कर सकते हो। आलतू फालतू मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं करती। हाँ, जिनको इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, जिनकी इम्पॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं, उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बस अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और फटाफट से मैं दक्षु के लिए ना टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे दक्षु के स्कूल में है आज होली फंक्शन और उसको मैं फटाफट से रेडी करके भेज दूंगी। एक्चुअली आज मेरा ना मन नहीं था उसको भेजने का, फिर भी मैम का कॉल आ गया स्कूल से कि बच्चों का ना मतलब लास्ट फेस्टिवल है इस सेशन का, तो इसलिए सब बच्चों को इकट्ठा होना, फ़ोटोज़ वगैरह एंड वीडियोज़ वगैरह क्लिक करनी होंगी मैम को इसीलिए। सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि फटाफट से रेडी कर देती हूँ। और बस यहाँ पे टिफ़िन लगी हुई हूँ मैं इसका रेडी करने, और दक्षु भी बस रेडी है, बैठा हुआ है वो सामने बेड पे, उधर बैक कैमरा तो मुझसे बातें कर रहा है, तो बहुत ही ना प्यार से उसके साथ बातें करनी पड़ती है सुबह सुबह। छोटा है ना अभी काफ़ी, तो थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है ताकि वो आराम से ईजिली स्कूल चला जाए। बाकी इवन उसने मुझे कभी वैसे तंग नहीं किया स्कूल जाने के लिए, बट फिर भी होता है ना, क्योंकि मैं उससे हमेशा प्यार से बहुत ही पैम्परिंग करती हूँ मैं उसको, तो इसीलिए वो कभी परेशान नहीं करता, बहुत ही हैप्पीली वो स्कूल चला जाता है। सो बस यहाँ पे मैं अभी इसको फुल रेडी है, सॉक्स एंड शूज़ पहना दूँगी। क्यों गिराया? मैंने तो नहीं गिराया, जूती जूती बोल रहे हो आप। गंदा इसका नाम क्या है? गंदा आता है, कोई भी नहीं आता, साफ है, साफ नहीं। चलो होली देखे पापा। दिखा मेरे पैंट। चलो मामा, वीडियो बंद हो गया। वीडियो बन रहा है कहा है आज दक्षु के स्कूल में इसी से हैं। हैप्पी होली फंक्शन। दक्षु स्कूल में जा रहा है फंक्शन सेलिब्रेट करने, हैप्पी होली सेलिब्रेट करने, है ना भाई? चलो बैग हैंग करो अपना। गाइज, अभी बस दक्षु को स्कूल भेजा है मैंने, और उसको स्कूल भेजने के बाद फटाफट से मैंने पूरा किचन का काउंटर टॉप वगैरह क्लीन किया है एंड बेडरूम वगैरह अच्छे से सेट कर दिया है। बेडशीट्स वगैरह एंड ब्लैंकेट वगैरह सब फोल्ड करके रख देती हूँ सुबह उठते ही। दक्षु को भेजने के बाद मेरा यही काम रहता है कि मोटे मोटे आगे के जितने काम होते हैं ना सब मैं कंप्लीट कर लूँ, या फिर टाइम रहता है तो फिर दक्षु के होते होते भी कंप्लीट कर लेती हूँ। बस अभी झाड़ू पोछा लगाऊँगी, क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर वही मेरा बैग आप देख सकते हो ये पड़ा निकला हुआ। और
पैकिंग करनी है। छुटपुट सामान जो मैं लेके आ रही हूँ, मेरी ज़रूरत का था वो मैं ले आई हूँ मार्केट से। एंड अभी इसको अच्छे से, मतलब आज पैकिंग करना स्टार्ट कर दूँगी मैं, अच्छे से कपड़े वगैरह प्रेस करके, आयरन करके अब मैं रखना स्टार्ट कर दूँगी इसमें। सो ताकि एक दो दिन रह गए हैं हमें जाने में, ताकि हमें फिर ज़्यादा ना प्रॉब्लम ना हो बाद में, फिर बच्चे के साथ कई चीज़ें भूल जाते हैं। सो बस ये सारी चीज़ें हैं। और मेरे मम्मी पापा तो जल्दी चले जाएंगे, आज कल में चले जाएंगे वो, और उसके बाद फिर मेरे भैया, भाभियाँ, बच्चे और मैं, दक्षु, हम सब जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। सो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद, पहले फटाफट काम निपटा लूँ, देन उसके बाद फिर आपको, आपके साथ बाकी की चीज़ें शेयर करूँगी। स्कूल में हैप्पी होली कलर लगा के आए हो भाई, अपना फेस तो दिखा दो। साइड में होके चलो, पहले तो ना डॉगी है यहाँ पे। यस,
हाँ जी, हाँ मेरी बात सुनो, नानी ने ना आपके लिए ग्रीन लॉलीपॉप लेके रखी हुई है। क्या लेके आए हो? क्या मिल गया आपको? मम्मा ने होली का गिफ्ट दिला दिया आपको, है ना? है ना रिक्ष? क्या नाम है इसका? चलो अपना अपनी गली आ गई। ओ इतनी सारी चीजें दक्षु को। दक्षु नमस्ते भाभी। ये खाब नहीं होता। हाँ जी, आज मम्मा ने भी आपको कैंडी दिला दी। मम्मा दिलाती नहीं है। मम्मा आपको अच्छी अच्छी चीजें दिलाती है। मम्मा ने आज आपको चुपा चुप्स दिला दिया क्योंकि आप जिद कर रहे थे। आपको देखो डॉगी नहीं नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, वीडियो चल रही है। आपको दिखा रही हूँ मैं कि आप क्या क्या चीजें खाते हो। क्यों जिद करके बैठ गए थे शॉप के सामने? दूर से ही देख लिया इसने ये पैकेट लटकते हुए। मम्मा येलो येलो लेना है, ऑरेंज ऑरेंज लेना है। देखो अब जिद करके वही चीज लेके आया। फिर एक नहीं लेनी, दो लेनी है, तीन लेनी है। बहुत मुश्किल से फिर इसको दो दिला के लाई हूँ। मैंने कहा चल अब घर। इतना बोला मैंने पीछे से, मैंने कहा स्कूल से निकलते इससे बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मतलब माइंड इसका डाइवर्ट रहे और इधर उधर शॉप पे ध्यान ना जाए। अब इतनी सारी शॉप्स आती हैं रस्ते में, इसका ना कहीं पैकेट पे ध्यान चला ही जाता है। ये लेना है, वो लेना है। देखो मम्मा के कपड़े गंदे कर रही हो। चाट लो ना इसको, शुगर ही तो है ये लगी हुई। कुछ शुगर नहीं है, कुछ वो नमकीन सा मसाला है। सो फिर जिद करके ये लेके ही आया, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है मुझसे हैंडल करना जब तक इसको कुछ दिलाओ ना। मैं इसको बोल रही हूँ अपने हाउस में ये है, आपकी अलमीरा में ये है, नानी ने चीजी ला के रखी हुई है ताकि ये घर तक पहुँच जाए किसी तरीके से। बट नहीं, जहाँ इसको कोई चीज़ मिल गई और इसने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। अच्छा बताओ फिर स्कूल में क्या किया आज आपने? हैप्पी होली। और क्या किया? डांस वांस भी किया? कैसे वाला डांस किया? अच्छा शूज़ खोल दो पहले, तो शूज़ खोल दो। बाहर से आए हो ना, फिर झड़ेंगे यहाँ पे। मम्मा ने देखो क्लीनिंग की हुई है। हाँ कोई नहीं, रख दो उसको भी। खोलो मम्मा, खोल दो कोई नहीं, आराम से। वेरी गुड, इसको मैंने सिखाया है ऐसे शूज़ खोलना पैर से पकड़ के। सेम वैसे ही करता है अब ये। चलिए ऐसी गाती हो? अरे अरे उसको खा लिए, ख़त्म हो गया, वो फेंक दिया, कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं नहीं नीचे नहीं फेंकना, इधर दो, डस्टबिन में डाल दूंगी मैं। ये खा लो अपना। अब ये दो लेके आना, दोनों खत्म करके ही छोड़ेगा। चलो फिर आपका फेस वगैरह वॉश करूं। कलर ऐसे केमिकल होता है, कहीं लग ना जाए आपको, दाने वाने ना हो जाए। पंजाब भी जाना है हमने, कहीं पहले ही फेस खराब करके। चलो ऐसे होता है। चलो मैं मिलती हूँ अभी गाइस आपसे कपड़े चेंज करके। क्या क्या बोल रहे? थैंक यू मेरी मम्मा। जैसे ही मैं कैमरा बंद कर देती हूँ कोई ना कोई नए नए डायलॉग निकल जाते हैं इसके, फिर वो मिस हो जाते हैं। थैंक यू बेटा, वेलकम। टिफिन फिनिश किया? आज होमवर्क तो हुआ नहीं होगा, क्लास वर्क तो हुआ नहीं होगा स्कूल में। कुछ भी नहीं हुआ आज तो, मस्ती मार के आए हैं। चेक भी नहीं किया आज तो, बुक भी खोल के नहीं देखी। टिफिन फिनिश किया? टिफिन किया फिनिश? इसको फिनिश करो। किसने खाया आपका टिफिन सारा? मैंने खाया। और ये चिप्स किसका है? मेरा। स्कूल में चिप्स दिए होंगे मैम ने आज। ये भी खाना, पकड़ो पकड़ लो, इसको फिनिश करना है, बस ये लास्ट बाइट है। कोई नहीं, हैंड में पकड़ लो, हैंड में पकड़ो, उसको मुंह में डाल लो चिप्स को। इसको रख दो ना यहाँ इसके साथ। चलो अब पकड़ो इसको, इसको फिनिश करके तब अपना चीज खाना, ठीक है?
चलो आओ आओ जल्दी, कलर लगा हुआ फेस पे क्लीन करना है। नहीं अच्छा बस फेस फेस बस फेस फेस क्लीन करना मेरी बिल्ली। मम्मा ने किस चीज किया आपको देखना, मम्मा के लिप्स पे तो नहीं कलर लग गया। इसको रहने दो, आप चिपचिप हो रहे हैं, साफ करने हैं। नहीं सोप से, सोप से नहीं, सोप लगा दिया था कल। आओ इधर आओ, देख के आप मिरर में हो गया कलर साफ। ये देखने के है कि कलर क्लीन हो गया। ठीक है, देखो गाइज सारे कपड़े मैंने ऐसे ही निकाल के फैला रखे हैं, सबको फोल्ड करना है, जो लेके जाने हैं वो लगेज बैग में डालने हैं, जो एक्स्ट्रा है वो अलमीरा के अंदर फोल्ड करके रख देने हैं। मैं यहाँ पे ना अपना एक जंप सूट धो रही हूँ, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। एक्चुअली इसमें ना कुछ दाग लगे हुए थे, मैंने दिवाली में पहन के इसको ऐसे ही रख दिया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको वॉश कर देती हूँ आगे आगे से। हो गया है वॉश, बस क्लीन हो जाएगा, अच्छे से सुखा दूँगी बाहर और अंदर देखे क्या चल रहा है। ये देखो ये सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए हैं, जो लेके जाने हैं प्रेस वेस करके फिर इकट्ठे इनमें पैक कर दूंगी। और इस लड़के को देख लो, इसको ये सब दिया था मैंने ताकि ये खेल ले मैच से, और इसकी साइकिल, और ये अंदर घुस के बैठा है और उसमें मेरे नए सूट हैं, सब मेरे ख़राब करेगा ये लड़का। बाहर निकलो तो दक्षु टूट जाएगा ये, फिर इसमें हमें कपड़े डाल के लेके जाने हैं, फिर कपड़े कहाँ डालेंगे? अगर हमारा लगेज बैग टूट गया फिर कपड़े कहाँ पर डालेंगे हम, हैं किस में रख के लेके जाएंगे? मेरे पास और नहीं है। चलो नीचे उतरो, कम डाउन, कम कम, लाइट ऑफ करके बाहर जा रही हूँ, तभी आएगा ये। नहीं, नहीं ये भी, चलो बाहर आओ, अब मंकी खाएगा नहीं तो आपको।